हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप सोनी A7 III यूज करते हैं या फिर सोनी का कोई भी कैमरा यूज करते हैं तो आप जानते होंगे कि सोनी का जो डिस्प्ले होता है वो एक्यूरेट कलर्स नहीं जनरेट कर पाता है। सोनी का कैमरा बहुत ही बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, पर इसका जो डिस्प्ले है उसमें आप जानते होंगे कि 960K का डॉट्स है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन का वीडियो नहीं देख पाते हैं और आपको करेक्टली जज करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है जब आप शूट कर रहे हैं कोई वीडियो या फिर फोटो। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप फोन कैसे इस कैमरा को कनेक्ट कर पाएंगे और इसी के साथ आपको फुल रेजोल्यूशन वीडियो देख सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पे डायरेक्टली एट द लाइव व्यू। और इससे आप इससे ये बेनिफिट होगा कि आप डायरेक्टली फोन में देख के शूट कर पाएंगे अपना जो वीडियो है फोटो है और इससे आप बढ़िया रिजल्ट निकाल पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो गाइस, बेसिकली हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं सोनी A7 III। इसको हम अटैच करेंगे हमारा जो एंड्रॉयड फोन है वन प्लस नॉट उसके साथ हम अटैच करने वाले हैं। और फोन को हम अटैच करने के लिए हमको एक होल्डर की जरूरत पड़ेगी जो फोन होल्डर होगा, जिसको हम ऐसे माउंट करने वाले हैं। जैसे आप जानते होंगे कि ये डायरेक्टली माउंट नहीं हो सकता, तो हमारे पास और एक आइटम है जो हमको हेल्प करेगा कि इसके ऊपर माउंट करने के लिए कैमरा के ऊपर। तो ये दो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं और इसी के साथ हमको एक C2C टाइप केबल लगेगा जो हमारे फ़ोन और कैमरा को कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली गाइस, इसका जो कॉस्ट है वो 120 rupees है फ्लिपकार्ट पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका कॉस्ट है 60 rupees, आप अगर दोनों साथ में खरीद रहे हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 190 rupees का मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट के। कनेक्ट करेंगे अपना फोन, तो उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको जो है प्ले स्टोर पे जाके हमको मॉनिटर प्लस ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फोन पे। तो मैं यहाँ पे मॉनिटर प्लस सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाला ऐप है, तो मैं इस ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है, ये ऐप दोनों iOS और एंड्रॉयड के लिए काम करते हैं, तो आप दोनों पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है गाइस। तो अभी चलो फटाफट से ओपन कर लेते हैं अपना जो मॉनिटर प्लस ऐप है, उसको ओपन कर लिया है हमने। नाउ हियर गाइस वी हैव टू प्लग इन अ केबल। सो गाइस, यहाँ पे आपको सी टाइप का पोर्ट दिखने मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सी टाइप का पोर्ट है, तो आपको यहाँ पे एक एंड जो है प्लग इन करना है, बाद में जो है अभी आपको फोन पे कनेक्ट करना है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो फोन है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे कैमरा के साथ, तो यहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन मिलता है जब आप हमारा फोन कनेक्ट होता है। सो गाइस ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का आउटपुट जो है सिमिलर है। यहाँ से डायरेक्टली हमारा जो डिस्प्ले में जो आउटपुट आ रहा है वही सेम हमको यहाँ पे दिखने मिलेगा, और कलर्स देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा येलो है और यहाँ पे एक्यूरेट दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा ISO चेंज कर लेते हैं। सो गाइस अब इस ऐप थ्रू अपना जो है ISO वगैरह चेंज कर पाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज है, यहाँ पे कलर्स थोड़े डायनामिकली मतलब ज़्यादा पॉपअप होकर दिखाता है, यहाँ पे एक्यूरेट दिखाता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ करें कि फ़ोन को कनेक्ट करके शूट करें, जब भी आप प्रोफेशनल यूज़ करते हो तो। और वाइट बैलेंस भी आप चेंज कर पाएंगे, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं ये फ्री वाले ऐप में। और शटर स्पीड भी आप चेंज कर पाओगे, शटर स्पीड भी आप अल्टर कर पाओगे विदाउट एनी इश्यू। एंड अनदर थिंग इज यू कैन ऑल्सो चेंज द फोकस एरिया गाइस, यहाँ पे आपको फोकस एरिया चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है इस वाले एप्लीकेशन में। अगर आप चाहो तो वाइड फोकस एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्पॉट या फिर फ्लेक्सिबल स्पॉट यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्पॉट यूज करूंगा। और सेटिंग्स में गाइस आपको वॉल्यूम की रिकॉर्ड बटन मिलता है, मतलब अगर आप ये बटन प्रेस करोगे, वॉल्यूम का बटन प्रेस करोगे, फोटो खींच लिया है हमारे कैमरा ने, तो इसी के साथ हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वो प्रो ऐप में मिलते हैं। प्रो ऐप का जो है कॉस्ट है गाइस अराउंड 1750 rupees है, तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इज इट वर्थ टू परचेस 1750 rupees। तो मैंने ऑलरेडी इस प्रो वर्जन को परचेस कर रखा है, तो मैं जस्ट इमीडिएटली उसको कनेक्ट कर लेता हूँ गाइस। हमारा फोन इमीडिएटली कनेक्ट हो गया है, मेरे को कुछ अनप्लग वगैरह करना नहीं पड़ा। अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ पे गाइस जैसे मैंने फर्स्टली दिखाया कि यहाँ पे फोकस एरिया, तो अभी मैं यल पे हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आई एम एबल टू रीफोकस एनी ऑफ द एरिया गाइस। देख सकते हो मैं टच करूंगा तो अनफोकस फोकस सब कुछ हो रहा है, तो दिस इज वर्किंग फाइन। और यहाँ पे हमको ये वाले ऑप्शन मिलते हैं गाइस, लाइक ज़ेब्रा एनेबल कर सकते हैं या फिर ल्यूमिनेंस, यहाँ पे एरिया सेटिंग्स, ह्यूमन, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं गाइस, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिलते हैं हमको। यहाँ पे भी मॉनिटर करके हमको वीडियो ले सकते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया फीचर दिया दे रखा है मॉनिटर प्रो ने। सो मैं अगर इसकी फीचर्स बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा फीचर्स है गाइस, हम इसको मिरर कर सकते हैं या फिर ऐसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में बताना पसंद करूंगा लाइव रिकॉर्ड फीड ऑन, मतलब ये लाइव जो रिकॉर्ड लाइव व्यू है ना अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारे फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड होगा गाइस ऑटोमेटिकली, ये जो रिकॉर्ड है इतना सा रिकॉर्ड होता रहेगा जो लाइव आउटपुट आ रहा है फोन को, तो ये बहुत बढ़िया फीचर है गाइस। यहाँ पे और एक हमको ऑप्शन मिलता है कि वी कैन ऑल्सो सेट द मीडिया फाइल नेम, वी कैन हैव मल्टीपल फीचर्स ओवर हियर, बहुत सारे फीचर्स है गाइस लाइक सिग्नल टाइप वगैरह। तो यहाँ पे हमको सिग्नल का स्टेटस भी मिलता है लाइक कनेक्टिंग कनेक्टिव FPS, कनेक्टिविटी FPS का ये मिलता है, शटर स्पीड का क्या क्या स्टेटस है, वो सारे स्टेटस यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं। सो गाइज ये ऐप जो है टोटली वर्थ है परचेस करना है, फिर इंस्टॉल करना अपने फोन पे। अगर आप कैनन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप जानते होंगे कैनन कैमरा जो डिस्प्ले आते हैं वो बढ़िया आते हैं और आपको बहुत ही अच्छे कलर्स पॉपअप करके मिलता है और जो भी है नेचुरल कलर्स देखने मिलता है कैनन पे, तो आपको इसकी यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक बेसिकली इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दी आउटपुट इन द बिग स्क्रीन, अगर आपको बड़े स्क्रीन पे देखना है तो आप इस वाले ऐप के थ्रू निकॉन कैमरा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कैनन कैमरा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सोनी कैमरा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे कैमराज पे ये सपोर्ट करता है मॉनिटर प्लस। तो आई रिकमेंड यू गाइज टू इंस्टॉल दिस ऑन योर फोन एंड ट्राई दिस आउट, इट इज क्रेजी, इट इज अमेजिंग गाइज। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि मेरे को तो बहुत ही अल्टीमेट लगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू इट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।